आजा मेरे स्क्वाड में तेरे को बहुत कुछ सिखाना है। गेट अनदर गेमिंग, तू आजा मेरे स्क्वाड में तेरे को बहुत कुछ सिखाना है। मेरा गेम बॉल कर तेरी बनी बोले, ओ मुझे तो इसकी स्क्वाड में जाना है। तो वन वी वन कर M24 में, तो मैं आपके साथ खेलूँगा। तो जब अगर मैं जीत गया तो आप मेरे को वर्ल्ड पास गिफ्ट दोगे। तो ओके बाय। हे गाइस, आजा मेरे स्क्वाड में तेरे को बहुत कुछ सिखाना है। आप लोगों को तो पता ही है, गेम खेलने के लिए उम्र की नहीं स्किल्स की जरूरत होता है। फिलहाल के लिए इस भाई का उम्र भले ही छोटा हो, क्या इसके अंदर वो स्किल्स है टीटीएम स्नाइपर में, क्या ये मुझे टक्कर दे पाएगा। फिलहाल के लिए देखता है इस भाई के साथ गेम प्ले कैसा जाता है। होप्स आप लोगों को ये वाले गेम पर बहुत ही ओपी लेवल का मजा आने वाला है। टीम मैच, लेट्स गो। इस भाई का उम्र भले ही छोटा हो लेकिन हौसला बहुत ही भारा है। एक कहावत है ना, बड़े हौसले जो रखते हैं उनके हार कभी नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए गेम की स्टार्टिंग में ही बंदे ने पट्टे से टकिला शॉट के दे रहा, क्या ही ओपी ओपनिंग किया है। फिलहाल के लिए यही सोच के आगे जा रहा था गेम क्या होने वाला है। मेरे आगे ये भाई है और गेम बहुत अच्छा खेल रहा है। देखते देखते मैं उसको एक डैमेज देता हूँ और ये दूसरा डैमेज, बंदा फुट डाउन हो चुका है। लेकिन आगे गेम कैसे अपना बाजी पलट लेता है मुझे भी खुद पता नहीं चलता है। सोच ही रहा था इस बार तो इस भाई को डाउन करके ही रहूंगा। जैसे ही पिक शॉट मारता हूँ, दूसरी बार पिक शॉट के लिए ट्राई किया और ये देखो इस भाई का एम अति खतरनाक चलता है। मैं तो फुल हैरान हो गया था इसके साथ खेलते टाइम। आप लोग भी आके देखते रहना, फुल हैरान हो जाओगे इस भाई का मूवमेंट देखकर। फिलहाल के लिए कंटेनर के ऊपर से लेने की कोशिश किया था, बंदा थोड़ा सा कवर में जाते हुए और भैया जी देखते देखते फुल स्लाइड करके आगे आ चुका था। ये वाला शॉट को मारना थोड़ा सा आसान रहा मेरे लिए। अभी देखना कितने लॉन्ग रेंज फाइट होने वाला है। ओ भाई, जैसे ही मैं अंदर गया बंदे ने क्या ही ओपी एंगल लेके मारा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। भैया जी के ये गजब शॉट के लिए यार एक लाइक तो बनता है। लाइक बटन को ठोक देना और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा टेंशन में था, इस भाई ने कर लिया था 4 पॉइंट और मेरे से 2 पॉइंट आगे है फिलहाल तो। और यहां पर देखते देखते पलक झपकते बंदे को मैं डाउन कर देता हूं। लेकिन इस गेम को खेलते टाइम मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था गेम तो यार फुल टक्कर कर जाने वाला है। क्राउचिंग शॉट मारने की कोशिश किया, अरे भाई क्या ही तगड़ा लेवल यार मूवमेंट था इस भाई का। अपना पिंग हाई ना हो जाए मैं दोनों ही माइक ऑफ कर लेता हूं। और यहां पर हो चुका है सबसे पहला पट्टे से टकीला शॉट। ये वाले टकीला शॉट को मारने के बाद थोड़ा सा तो हौसला हो रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन ये देखो जैसे मैंने पिंग लिया बंदे ने क्या ही ओपी स्लाइड शॉट मारा। क्यों हो जा रहे हो ना हैरान इस भाई का गेम प्ले देखकर, मैंने पहले ही कहा था। देखते देखते भाई को मैंने एक बार डैमेज दिया, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज लेने की कोशिश कर रहा है बंदा। इतने में मैं फुल घुस के आगे जाता हूं। अरे यार एक शॉट तो लगना बनता था, लेकिन जैसे जैसे करके भैया जी यहां पर पॉइंट कनेक्ट करके चला जाता है। ओ भाई हर एक बार एंगल चेंज करके मारने की कोशिश। चलो बेटा देखते देखते मैं इसको डाउन कर देता हूँ जैसे तैसे करके। लेकिन मैं अभी गेम को हल्के में नहीं ले सकता, हल्के में लूंगा तो यार पक्का मरने वाला हूँ। ये देखो बंदा स्लाइड करके आगे आ चुका है। ओ भाई साहब देखते देखते मैं इसको फिर से डाउन करता हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग रेंज लेने की कोशिश लेकिन नाकाम कोशिश रहा। ओ भाई क्या ही चला गया बंदा, इसको पता चल गया था मैं इसी साइड से आने वाला हूँ। एकदम से फुल होल्ड करके खेला उस जगह पर। अरे भाई साहब पीक लेने का मौका ही नहीं दे रहा यार, बिजली की रफ्तार से भी तेज इसका M24 का गोली चल रहा है। और ये देखो मैंने सोचा था बंदा इस बार भी मुझे डाउन करने वाला है, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने स्लाइड किया बंदे के फुल हेड में कनेक्ट हुआ, भैया जी फुल डाउन हो चुका है। थोड़ा बहुत उम्मीद लेके आगे जा रहा हूं।
क्या मैं इसको फिर से कनेक्ट कर पाऊंगा? लेकिन नाकाम कोशिश रहा फिर से। जीएफएक्स तारिक भाई कैसी ओपी खेल रहा है। ओ भाई बंदा यार कंटेनर के पीछे से जंप करने की कोशिश कर रहा था, एकदम से कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है। मैंने सोचा भाई तू लेफ्ट से आने वाला है, थोड़ा सा अंदर को होल्ड किया था, जैसे स्लाइड किया साइड से मैंने एक डैमेज भी दिया था। गेम फुल आधा हो चुका है और बंदा अभी तक मेरे से 3 पॉइंट आगे है। Half of the match is over and the red team is in the lead. अरे भाई देखते देखते 4 पॉइंट आगे जा चुका है। पकड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है इस भाई को, लेकिन यहाँ पर देखते देखते हो चुका है पट्टे से टकीला शॉट। अभी सोचता हूँ फुल घुस के आगे जाने के लिए। और यहाँ पर देखते देखते मैं इसको डाउन कर देता हूँ और बस 2 पॉइंट चाहिए। भाई साहब बंदा पीक लेके बैठा ही था, एकदम से स्लाइड किया बंदे के फुल हेड में। एक लगा इसको, ओ भाई एक शॉट तो लग जाए यार, बहुत ज्यादा लॉन्ग फाइट चल रहा है। जल्दबाजी में मैं अपना शॉट्स मिस कर रहा हूँ, बंदा भी अपना शॉट्स मिस कर रहा है और फाइनली ये भाई मुझे डाउन कर ही देता है। ये चीज आपके साथ भी होता होगा, अगर आप लास्ट टाइम पर जल्दबाजी से खेलने की कोशिश करोगे बहुत से शॉट मिस हो जाता है। लेकिन इस बार देखते देखते इस भाई को मैंने पट्टे से टकीला शॉट कनेक्ट किया। 3 मिनट टाइम है और ये भाई मेरे से 1 पॉइंट आगे है। थोड़ा बहुत टाइम है मेरे पास और देखते देखते मैं इसको पकड़ भी लेता हूँ। इस भाई को पकड़ना बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन एट द एंड तक इसको पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पर देखो बंदा एकदम से आगे नहीं आता है। मैं भी हर बार स्लाइड करके अपना एंगल चेंज कर रहा था, देखते देखते मैं इस भाई को डाउन भी कर देता हूँ। और बस 2 मिनट बच रहा है ये वाले गेम को। भैया जी थोड़ा सा लॉन्ग रेंज लेने की कोशिश, मैं भी एकदम से आगे नहीं जाता हूँ इसके। कहने कहीं मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा था बंदे को पॉइंट दे दूंगा तो यार गेम को पक्का हारने वाला हूँ। भैया जी जल्दबाजी में बहुत ज्यादा स्लाइड शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन देखते देखते मैं इसको यहाँ पर डाउन भी कर देता हूँ। ओ भाई बहुत ही ज्यादा जंप शॉट करने की कोशिश, बंदे ने मुझे डैमेज दिया, मैंने भी शायद से उसको डैमेज दिया था, लेकिन कोई बात नहीं स्लाइड शॉट बहुत ही अच्छा मारा बंदे ने। ओ भाई देखा किस तरीके से बंदे ने उस जगह में होल्ड किया था फुल मिडिल में। अरे भाई फुल सरप्राइज शॉट था ये मेरे लिए, बिल्कुल भी पता नहीं था भैया जो उसी साइड से आने वाला है। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के अपना मूवमेंट बंद कर दिया था ताकि बंदे को अपना फुटस्टेप ना मिले। रिलोडिंग, और भाई को यहाँ पर देखते देखते स्लाइड शॉट मार तो भैया जी फुल डाउन हो चुका है। Enemy down! और लास्ट पे क्या ही ओपी पट्टे से टकीला शॉट कनेक्ट हो जाता है बंदे को। 50 सेकंड, एक लगा इसको,
और यहाँ पर देखो मेरे साथ क्या ही गलत सीन हो जाता है। जॉयस्टिक पता नहीं क्यों अटक सा जाता है। The red team doesn't have a lot of time left. Kill. ओ भाई, मुझे लगा था बंदा राइट से आएगा, लेकिन जैसे ही एकदम से लेफ्ट से आया, फुल डाउन हो चुका है। और यहाँ पर देखना बंदा कैसे मुझे सरप्राइज करता है। मैं एक साइड से पीक ले रहा था, लेकिन भैया जी एकदम से लेफ्ट से आके क्या ही ओपी मार के चला जाता है। फिलहाल के लिए देखते देखते गेम यहीं पे खत्म हो जाता है। भैया जी का गेम प्ले बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा इस छोटे भाई का गेम प्ले मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरे साथ ऐसी मजेदार गेम खेलना है ना, इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा फेसबुक पेज के अबाउट सेक्शन पर। इंस्टाग्राम पर जरूर से मुझे फॉलो कर लेना और अपना प्यारा सा एक वीडियो बना के सेंड कर देना। आपका वीडियो अच्छा लगता है मुझे तो यार मैं आपको जरूर से रिप्लाई करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एवरीवन।